हेलो फ्रेंड, घर बैठे सिलाई सीखे में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्लाउज बैक नेक डिजाइन बताऊंगी, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटिंग शुरू करेंगे। ये हमारा कपड़ा है, ये पीछे का पल्ला है, इसे मैंने पहले से ही कटिंग कर लिया है। बस मैं आपको बैक नेक डिजाइन बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे गले के लिए। अब हमारे गले की लंबाई है 10 इंच, इस तरीके से इसे यहाँ से इस तरीके से रख लेंगे और इस तरीके से इसे मिला लेंगे। इसे थोड़ा सा हम गोल बनाने के लिए इस तरीके से पट्टी को यहाँ ऊपरी हिस्सा से इस तरीके से रखकर थोड़ा सा हम तिरछा करेंगे। और इसे इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। देखिए, इस तरीके से हमने इसे इस तरीके से गोल। अब हम इसे काट लेंगे। इस तरीके से अब हम बकरम कपड़े में इसे रखकर गोल कटिंग कर लेंगे। यह हमारा बकरम कपड़ा है, इसके ऊपर में हमने हमारे ब्लाउज के अस्तर पीस को रखा है। अब इसमें हम गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से, जिस तरीके से हमने ब्लाउज का नेक कटिंग किया है उसी तरीके से अब इसमें हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए, हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसमें 1.25 इंच लेकर इस तरीके से हम निशान लगाते जाएंगे। इस तरीके से अब हम इसे इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके अंदर हिस्से को भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके अंदर हिस्से को भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से तो चलिए अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। यह हमारा बकरम पट्टी है, इसे हमने इसके ऊपर रखा है। इस कपड़े से हमें डिजाइन बनाना है। सबसे पहले हम इसे गरम प्रेस की सहायता से चिपका लेंगे। हमने इसे प्रेस की सहायता से चिपका लिया है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ों को।
अब हम इसके अंदरी हिस्सा को काट लेंगे। ये हमारा ब्लाउज पीस है और ये हमारा अस्तर है। इसके ऊपर में हम इसे रख करके सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। अब हम यह हमारा ब्लाउज का बैक साइड है, इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस भाग को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए अब हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे डार्ट के लिए और इस तरीके से। अब इसे हम सिलाई कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड का डार्ट है। अब चलिए हम ब्लाउज के बैक नेक डिजाइन बनाना शुरू करें। यह हमारा गले का नेक डिज़ाइन है जिसे हमने वक्रम की सहायता से काट लिया था। अब इसे हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। देखिए इस तरीके से, और इसे हम सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने इसे यहाँ पे रख के इस तरीके से गोल सिलाई कर लिया है। अब इसमें हम पहले पाइपिंग कर लेंगे। हम इससे पाइपिंग करेंगे। ये हमारी पाइपिंग रस्सी है, इसे हम इस तरीके से इसमें लगा लेंगे। देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है। अब इसे हम इस तरीके से पलट कर अब हम सिलाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब इसमें हमें डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरीके से गोल कटे हुए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। इसे आप कोई भी चीज़ रख कर गोला आकार में इस तरीके से काट सकते हैं। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद सुई और धागा की सहायता से हम इसे इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे लगाना है। देखिए हमें कैसे करना है। इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद हमें यहाँ से इस तरीके से देखिए सुई और धागा की सहायता से हमें इस तरीके से इसे सिलाई कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से आप देखिए। अब हमें इस तरीके से जितने हमने गोले बनाए हैं उन सभी गोलों को, हमने बहुत सारे गोले बनाए हैं, उन सभी गोलों को इस तरीके से हमें डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से रख कर हमें सिलाई कर लेने हैं, पूरे गोल करके सिलाई कर लेने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे बनाना शुरू करें। इस तरीके से हम इसे रख कर यहाँ पर
इस तरीके से सिलाई शुरू करेंगे। इस तरीके से इस तरीके से देखिए हमें अपने ब्लाउज में लगाना है। हम लगाते जा रहे हैं अपने इस डिज़ाइन को। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने डिज़ाइन बना लिया है। इस तरीके से हमने गोल करके पूरे नेक में डिज़ाइन बनाया है। अब हम इसमें इस तरीके से लेस लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से लेस को रखेंगे, उसके बाद इसे हम सिलाई कर लेंगे। देखिए हमें पूरे नेक में इस तरीके से हमें इस लेस को लगा लेना है। इस तरीके से अब हमें इस डिजाइन में गोल्डन कलर की मोतियां लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। इस तरीके से हमें सुई और धागा की सहायता से हमें इस तरीके से यहाँ पर गोल्डन कलर की मोती लगानी है, ताकि हमारा ब्लाउज का नेक डिज़ाइन और भी सुंदर लगे। इस तरीके से देखिए इस तरीके से हमें पूरे डिज़ाइन में मोती लगा लेनी है। आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज का नेक डिज़ाइन बन चुका है। यदि आपको हमारा ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।